नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय ग्रह नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भलीभांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। अप्रैल माह का चौथा सप्ताह काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह कई ग्रहों की युति के साथ शुभ और अशुभ योग बन रहे हैं। मीन राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। दरअसल इस सप्ताह शुक्र, बुध, राहु और मंगल एक साथ मीन राशि में एक साथ विराजमान रहने वाले हैं। इस सप्ताह की बात करें तो सूर्य मेष राशि में ही रहने वाले हैं। इसके साथ ही 25 अप्रैल को बुध मीन राशि में सीधी चाल चलने वाले हैं। 24 अप्रैल को दैत्यों के गुरु शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर गुरु बृहस्पति के साथ युति हो रही है। ऐसे में गजलक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इस सप्ताह कुछ राशियों के सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और उनके द्वारा किए गए प्रयासों से उम्मीद से ज्यादा परिणाम मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और किसी खास काम के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 का साप्ताहिक राशिफल आपके लिए क्या खास लेकर आया है, जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं अप्रैल माह का चौथा सप्ताह मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में राहु के 12वें घर में स्थित होने के कारण आप खुद को अवसाद या तनाव से ग्रस्त महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके मन में कई नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। ऐसे में मन की शांति को नष्ट होने से बचाते हुए खुद को जितना संभव को व्यस्त रखने का प्रयास करें। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण आपके आर्थिक फैसलों में सुधार इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य से ज्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए काफी बेहतर रहेगी और इस दौरान पारिवारिक सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रत्येक घरेलू कार्य में मन से भाग ले पाएंगे और पारिवारिक सहयोग के कारण सफलता प्राप्त करेंगे। इस राशि वाले जातकों को इस सप्ताह खुद के लिए काफी समय तो मिलेगा, परंतु आप उस उपयोग करने की बजाय उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए आप इस समय का उपयोग कर अपने कुछ शौकों को पूरा कर सकते हैं। इस राशि के कुछ छात्रों को विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका इस सप्ताह मिल सकता है, हालांकि इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही मेहनत और अपने प्रयास तेज करने के साथ ही सही दिशा में करते रहने की आवश्यकता होने वाली है। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मिला गया सही मार्गदर्शन भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प सीधा हो सकता है। खास उपाय, हर दिन 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। अब जानते हैं अप्रैल माह का चौथा सप्ताह वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह चंद्र राशि से केतु पंचम भाव में स्थित होने के कारण आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे में आपका ये अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आप में झुंझलाहट पैदा हो सकती है। आपके लिए बेहतर होगा अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से अभी बचे। चंद्र राशि से बृहस्पति 12वें भाव में स्थित होने के कारण धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए, क्योंकि यूं तो इस दौरान आपको कई जगहों से अचानक धन प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इस समय धन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। परिवार में आपको इस सप्ताह अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इससे आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में खासा परेशानी आ सकती है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। ये समय काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं।
इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने से भी आप नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इन दौरान लाभ अवश्य मिलेगा। इस सप्ताह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी हो उसकी एक सूची बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। खास उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। अब जानते हैं अप्रैल माह का चौथा सप्ताह मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह गर्भवती महिलाओं को खास तौर से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, अन्यथा किसी प्रकार का संक्रमण होने से आपको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्र राशि से बृहस्पति के एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपके किसी पुराने निवेश जैसे पैतृक संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी, पॉलिसी आदि के चलते इस सप्ताह आपकी आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऐसे में आप उस धन को अर्जित करते हुए उसे पुनः किसी अच्छी योजना में निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं। संभव है कि घर का वो सदस्य जिस पर आपने पूर्व में विश्वास करते हुए अपना कोई राज साझा किया था, वो आपको इस सप्ताह धोखा देते हुए दूसरों के सामने आपकी पोल खोल सकता है। इसलिए ऐसी किसी भी आशंका से बचने के लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप स्वयं ही अपने उस राज के बारे में घर के दूसरे सदस्यों को बता दें। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर कामकाज के मामलों को सुझाने के लिए आपको शुरुआत से ही अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करने की सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। इसलिए दूसरों के सामने हास्य का पात्र न बनते हुए स्वयं की क्षमताओं का दूसरों के सामने प्रदर्शन दें और लक्ष्य प्राप्ति करें। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकेंगे। खास उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग व्हाइट। अब जानते हैं अप्रैल माह का चौथा सप्ताह कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत से अंत तक कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा और यह वो समय होगा जब आपका स्वास्थ्य सामान्य से ज्यादा मजबूत रहेगा और आप विभिन्न प्रकार की अपनी शारीरिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है। चंद्र राशि से शनि अष्टम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको केवल एक दिन को नजर में रखकर निर्णय लेने की अपनी आदत पर काबू करना होगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज करें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने में इतना व्यस्त रहने वाले हैं कि आपके पास अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने का समय ही नहीं बचेगा, जिसके कारण आप उन्हें नाराज करते हुए पारिवारिक वातावरण को तनावपूर्ण बना सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 10वें घर में स्थित होने के कारण कई लोगों को व्यापारिक और शैक्षिकी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि आप अपनी शिक्षा और अनुभवों का बेहतर प्रदर्शन देते हुए कई अच्छे मौकों का लाभ उठा सकें। इसलिए खुद को कम समझने की भूल इस दौरान न करें। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी, साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। खास उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अब जानते हैं अप्रैल माह का चौथा सप्ताह सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से इस सप्ताह ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा। ऐसे में घर के बाहर जाकर ताजी हवा में कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दर्ज करते रहें। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में राहु 8वें घर में स्थित होने के कारण अटके हुए आर्थिक मामले बढ़ सकते हैं, साथ ही इस दौरान कई प्रकार के खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे, जिससे आपको न चाहते हुए भी बेचैनी हो सकती है। इस कारण आप कई प्रकार के निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पाएंगे। ऐसे में हर परिस्थिति में खुद को शांत रखें और खर्चों पर भी लगाम लगाएं। इस सप्ताह आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न होगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे,
क्योंकि ये समय आपको जरूरत के वक्त दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा। खाली समय में कार्यक्षेत्र पर आपका इस सप्ताह अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देखना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नापसंद आ सकता है, इससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित होगी। पूर्व के सप्ताह में जिन भी विषयों को समझने में आपको दिक्कत आ रही थी, आप उन्हें इस सप्ताह समझने में पूरी तरह सफल रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई के प्रति खुद को समर्पित करते हुए एकाग्रचित रहें और अध्ययन करते रहें। खास उपाय, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग डार्क ब्लू। अब जानते हैं अप्रैल माह का चौथा सप्ताह कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार आएंगे, जिसके चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित पड़े बिल और ऋण को चुका पाने में खुद को सक्षम पाएंगे। हालांकि इस दौरान अपना पैसा किसी को भी उधारी पर देने से बचें। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने में इतना व्यस्त रहने वाले हैं कि आपके पास अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने का समय ही नहीं बचेगा, जिसके कारण आप उन्हें नाराज करते हुए पारिवारिक वातावरण को तनावपूर्ण बना सकते हैं। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह यूं तो मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, परंतु अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहने के योग नजर आ रहे हैं। खास तौर से यदि आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि तथा कानून, लॉ, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है। खास उपाय, गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग पिंक। अब जानते हैं अप्रैल माह का चौथा सप्ताह तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज्यादा निर्भर न रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। चंद्र राशि से शनि पंचम भाव में स्थित होने के कारण बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी अपने प्रयास करते रहें। जिन जातकों ने पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई लोन या ऋण लिया था, उन्हें इस सप्ताह उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके पीछे का मुख्य कारण आपका धन संचय न करना हो सकता है। इसलिए अपने धन को संचय करने की ओर अभी से प्रयास करें। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह कई व्यापारी जातक अपने कारोबार को नई दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं। हालांकि जरूरत से ज्यादा जोखिम लेना अभी आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, इसलिए किसी भी बदलाव को लेकर हर निर्णय को लेते समय विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। आपके शैक्षिकी भविष्यफल के अनुसार विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा फैशन या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। खास उपाय, प्रतिदिन लिंगाष्टकम का जाप करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सायन। अब जानते हैं अप्रैल माह का चौथा सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। चंद्र राशि के संबंध में राहु के पांचवें घर में स्थित होने के कारण मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें, क्योंकि इससे ही आप स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनाने में सफल रहेंगे। इस ऊर्जा की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप हर किसी के ऊपर न चाहते हुए भी बेकार का खर्चा करें। चंद्र राशि से शनि चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण आपको इसी हफ्ते से अपनी इस आदत में सुधार करते हुए अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचना होगा। आपकी माता जी को इस सप्ताह अपनी किसी पुरानी व गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं से निजात मिल सकेगी, जिस कारण आपके मन में उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने की इच्छा जागृत हो सकती है।
माता पिता का बेहतर स्वास्थ्य देख आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी उनकी सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहें। इस सप्ताह आपके पराक्रम और साहस में कमी आएगी, जिससे आप अपने करियर से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ होंगे। परिणाम स्वरूप आप कई बेहतरीन अवसरों को गंवा भी सकते हैं। इस समय कोई करीबी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी सहायता करने के लिए आगे आ सकता है। हालांकि आशंका ये भी है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए उनकी मदद लेने से इनकार कर दें, जिसका खामियाजा आपको असफलता के रूप में उठाना पड़ सकता है। खास उपाय, प्रतिदिन 19 बार ओम शिव ओम मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग ब्राउन। अब जानते हैं अप्रैल माह का चौथा सप्ताह धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताजी हवा का आनंद लें। इस सप्ताह आपको बेवकूफी भरे कार्यों से बचकर रहने और धन का सही उपयोग करने की जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि यदि आपने अपने किसी करीबी से किसी प्रकार के धन की मांग की थी तो उसमें आपको सफलता मिल सकेगी। इसलिए होशियारी से निवेश करें और धन का उचित उपयोग करें। बृहस्पति के चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण इस समय आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बिताएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह आपके पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक परिणाम लाएंगे व आपको घरेलू तनाव से दूर रखने में मददगार भी सिद्ध होगी। चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह यूं तो मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, परंतु अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहने के योग नजर आ रहे हैं। खास तौर से यदि आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि तथा कानून, लॉ, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है। खास उपाय, प्रतिदिन 21 बार ॐ बृहन् बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नेवी ब्लू। अब जानते हैं अप्रैल माह का चौथा सप्ताह मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप बेहतर सेहत का आनंद लेते दिखाई देंगे। यदि आप किसी पुरानी समस्या से पीड़ित थे तो ये समय आपको पूरी तरह से उस समस्या से निजात दिलाने का कार्य भी करने वाला है। इस सप्ताह आपके दोस्त व कोई करीबी रिश्तेदार आपका हर कदम पर सहयोग करते हुए आपको हर प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों से निकलने में आपकी मदद करेगा। चंद्र राशि से तीसरे भाव में राहु के स्थित होने के कारण जिनके सहयोग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तो कर ही सकेंगे, साथ ही आपको अपने किसी ऋण को चुकाने में भी मदद मिलेगी। ये सप्ताह यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, परंतु न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में भी सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा न करें जिससे घर का नुकसान हो। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। ये हफ्ता आपकी उच्च शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतरीन रह सकता है और बहुत समय से यदि आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर कोई प्रयास कर रहे हैं तो योग बन रहे हैं कि आपको उसमें इस दौरान पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको इधर उधर की बातों में अपना समय न बर्बाद करते हुए अपने भविष्य को लेकर सजगता बरतने की जरूरत होगी। खास उपाय, प्रतिदिन 21 बार ॐ वायुपुत्राय नमः मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग एक्वा। अब जानते हैं अप्रैल माह का चौथा सप्ताह कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। जीवन में किसी प्रकार की असुविधा आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकती है, ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए अपने शरीर को तकलीफ देने से बचें। राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिहाज से ये हफ्ता सामान्य से उत्तम रहेगा। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति तीसरे घर में स्थित होने के कारण आपकी राशि के जातकों को
इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेगा, जिसके कारण आप उनके प्रयास देख स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। लघु व्यवसाय करने वाले जातकों को इस सप्ताह इच्छानुसार सरकारी क्षेत्र या किसी सरकारी अधिकारी से सही सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इससे उन्हें कुछ घाटा भी हो सकता है। हालांकि बावजूद इसके आपको अपनी मेहनत सही दिशा में करते हुए प्रयास जारी रखने होंगे। ये समय खास तौर से छात्राओं के लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होंगे और इस दौरान उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अभिभावकों पर उन पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा में सही करियर विकल्प चुनने में आ रही मुश्किलों से भी इस दौरान काफी हद तक निजात मिल सकेगी। खास उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग व्हाइट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 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 अब जानते हैं अप्रैल माह का चौथा सप्ताह मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी न आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे घर में स्थित होने के कारण जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति ढगमगाएगी उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामने करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आए और उसी दिशा में प्रयास करें। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वो दरअसल आपका शुभचिंतक है। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। इस सप्ताह आपके बड़े भाई बहन आपकी किसी विषय को समझने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने पूर्व के तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। हालांकि इस दौरान आपको खुद को केवल और केवल अपनी पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपके मन में रचनात्मक विचारों को वृद्धि हो सकेगी। खास उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को भोजन दान करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ब्लैक। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की।